आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आजकल सर्दियां पड़ रही हैं और जरा सी बच्चों को ठंड लग जाती है तो खांसी हो जाती है। बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको भी खांसी हो जाती है, कभी आपको भी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, तुरंत डॉक्टर के चले जाते हैं, जबकि हम घरेलू दवाई बनाकर वो इस्तेमाल करें तो उससे भी ठीक हो जाती है। बहुत चीजें घर में ही ऐसी होती हैं जिनसे आदमी ठीक हो जाते हैं। आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। लिहाजा मैं आपको एक घरेलू सामान की खांसी की दवाई बताती हूँ। देखिए, मैंने आधा गिलास पानी गर्म किया है। ये आधा गिलास पानी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, अब हम इसमें आधा चम्मच शहद मिला लेंगे। ये अच्छी तरह से आप मिलाएं। इसको बच्चे भी बड़े भी आप भी लेंगे तो आपकी खांसी में आराम पड़ जाएगा। ये आप दो तीन दिन, इसे कोई भी बना सकता है, कोई भी अपना बना के। अब ये मिल गया है, पीने के लिए तैयार है। ये आप दो तीन दिन लगातार पियेंगे तो आपको खांसी में आराम मिलेगा। घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आज भी यही दवाइयाँ देना पसंद करते हैं और हम लोग डॉक्टरों पर ज्यादा डिपेंड हैं। तो आप इस दवाई को दो तीन दिन लेंगे तो आपको सच्चा आराम पड़ेगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को ज्वाइन करना। आगे मैं कुछ नया लेके आऊंगी।